जगदम्बा के थ्रू जो ज्ञान संसार में फैल रहा है, निमित्त तो जगदम्बा बनी ना एडवांस में, तो ज्ञान सारी दुनिया में नहीं फैलेगा। ये हम जानते हैं कि जगदम्बा का जो शरीर है वो डब्बा है, और उसमें प्रवेश करके पार्ट बजाने वाली आत्मा ब्रह्मा है। ये हम ब्राह्मण जानते हैं, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ज्ञान है कि शरीर के ऊपर नाम पड़ता है, आत्मा के ऊपर नाम नहीं पड़ता। इसलिए जगदम्बा की मूर्ति गाई जाती है, पूजी जाती है, मंदिर बनते हैं, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनते हैं। और हाँ, गणेश की सवारी चूहा। हाँ हाँ, कोई आत्मा ऐसी ज्ञान में निकलती है जो अंदर ही अंदर सारा खोखला कर देती है। अब ब्रह्मा कुमारियों को और एडवांस पार्टी वालों को पता ही नहीं चलता क्या कि सारा अंदर घर खोखला हो गया है। अंत में जो अनिश्चय होगा, ब्राह्मणों की दुनिया में मौत का बाजार लगेगा, तो ऐसे चूहे काम करेंगे या नहीं करेंगे? है? करेंगे। छोटे छोटे चूहे होते हैं, गणेश तो बहुत बड़ा दिखाया जाता है, बड़ा देह अभिमानी सांडा, लेकिन उसकी सवारी छोटी छोटी आत्माएं। ऐसी छोटी छोटी आत्माएं एडवांस ज्ञान में निकली हुई है, जिन्होंने निश्चय पत्र मात्र लिखा है, लेकिन भगवान के पार्ट के ऊपर निश्चय नहीं है। भगवान का प्रैक्टिकल पार्ट क्या है, ये उनकी बुद्धि से बिल्कुल परे है। छोटे छोटे जिज्ञासु हैं, पावरफुल आत्माएं नहीं है। जो विपरीत बुद्धि बन करके, अनिश्चय बुद्धि बन करके ढेर की ढेर विष्णु पार्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो अंदर ही अंदर खोखला करते रहते हैं। उनकी सवारी किसके ऊपर होती है? गणेश की। ऐसे चूहों के ऊपर होती है। और जब जब उनके 50 साल पूरे हो जाएंगे। है और विष्णु बनने के लिए एक चना भाड़ फोड़ेगा या संगठन चाहिए? है? हाँ, तो विष्णु कोई एक को नहीं कहा जाता। अकेली राम वाली आत्मा कहे कि हम विष्णु बन करके बैठ जाएंगे, ये संभव नहीं है। हाँ जी, और राम वाली आत्मा की एक ही पढ़ाई बाकी है। कृष्ण बच्चा ये बात मान ले कि गीता का भगवान मैं नहीं हूं,
माना शंकर की एक ही पढ़ाई है कि बैल पर छलांग मार के कैसे चढ़ाई की जाती है, और ये बताया कि आठ रजाइयां स्पष्ट कितने दिखाई पड़ेंगी है, आठ रजाइयों को कंट्रोल कौन होंगे, अलग अलग क्या अष्टचेतन होंगे या देव होंगे, कौन होंगे देव कंट्रोल आठ रजाइयां होंगी बाबा ना, जो देवताएं होते हैं वो कंट्रोल करने वाले होते हैं क्या? हाँ, जो देवताएं होते हैं वो ईश्वर के कार्यकाल में कंट्रोल करने का काम नहीं करते, हाँ वो सेवादारी होते हैं, असली पुरुषार्थी होते हैं। जो ब्राह्मण काल में ब्राह्मण जीवन में दूसरों के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं वो वास्तव में बड़े राजा नहीं बन सकते। जो यहाँ दूसरों के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल करके बड़ा संगठन बनाए लेते हैं, वो नंबर वार रत्नों की लिस्ट में आ सकते हैं। रतन कोई हीरा होता है, कोई मूंगा होता है, कोई पुखराज होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। क्या हाँ जी, जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो बाप नंबर वार सबको प्रत्यक्ष कर देता है। हाँ जी, और हिंदी में ओम अक्षर लिखते हैं जो ब्रह्मा विष्णु शंकर के सम्मिलित और इंग्लिश में गॉड लिखते हैं जीओ, वो एक वास्तव में पर्सनालिटी है जिसके द्वारा उसको व्यक्त किया गया है। पर्सनालिटी कौन, विष्णु की पर्सनालिटी है जिसमें ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों एक साथ पाठ बजाए। ये जो आ बनाया जाता है, आ भी है, ऊ भी है और माँ भी है। माँ जो है वो बिंदी है, महेश, जो बिंदी रखी हुई है वो सर्वोपरि है, निराकारी स्टेज, और जो सर्वोपरि है वो ही त्रिमूर्ति शिव है। और इनको कंबाइंड पार्ट भी तो बताया था कि तब तो ऐसा भी लिखा बताया गया है कंबाइंड पार्ट एक एक पर्टिकुलर पर्सनालिटी के अंदर तीनों पार्ट बदली हो, ब्रह्मा का भी विष्णु का भी शंकर का भी। हाँ, वो पर्सनालिटी वहाँ विष्णु की पर्सनालिटी को कहते विष्णु जो है वो कोई तीन आत्माएं नहीं है, फिर वो तो पांच आत्माएं हैं और वो तो फाइनल रूप हो गया। ओम बाबा ओम शब्द यूज करते हैं, तीनों को संगठित कर दिया त्रिमूर्ति शिव को एक पर्सनालिटी के द्वारा पार्ट बजाओगे ना। हाँ, तीनों पार्ट बजाओगे, ब्रह्मा का भी पार्ट, विष्णु का भी पार्ट, शंकर का भी पार्ट। हाँ, अभी तो ओम बाबा इकट्ठा किया तीनों, तो अर्धनारीश्वर नहीं है उसमें, अर्धनारीश्वर है या नहीं, तो विष्णु है या नहीं, और पालन करने वाला विष्णु नहीं है तो बड़े संगठन की पालना कौन करता है? ब्रह्मा वाली आत्मा है, बाप भी है, माँ बाप के द्वारा ही परिवार का संगठन होता है, संचालन प्रक्रिया होती है। और बाबा जो नास्तिक होते हैं वो तो अतीत और भविष्य को नहीं मानते हैं, आत्मा परमात्मा को नहीं मानते हैं, फिर वो संगम युग में ब्राह्मण कैसे बनते हैं? नास्तिक ब्राह्मण तब बनेंगे जब उनके ऊपर एटम बमों की मार खुद की बनाई हुई जो रचना है वो उनकी खुद ही मार करना लग पड़ेगी, वो अपनी ही रचना से त्रस्त हो जावेंगे, परेशान हो जावेंगे, तो हाथ खड़ा कर देंगे। हाँ जी, गिरेंगे नहीं। हाँ,
शंकर के लिए कहा थे पटदेव कारिणी, जलाधारी के लिए वो अमुक वीर के बारे में नहीं बताया है, शंकर के लिए कहा गया है। लेकिन जलाधारी भी तो वहाँ सहयोगी बनती है शंकर के लिए, उसके उदाहरण करने में जलाधारी का भी सहयोग होता है। वीर पुरुष को होता है कि स्त्री को होता है? हाँ, शक्ति जो छीण होती है वो शक्ति बीज रूप कौन सी है? बीज में ज्यादा ताकत होती है या धरणी में ज्यादा ताकत होती है? फिर और बाबा बोला है जिसके अंदर गहराई का ज्ञान नहीं है उनको अकाल मौत होगी कह दिया, पर जो भाषा नहीं जानते उनको ज्ञान की गहराई में पकड़ नहीं पाते तो उनको भी अकाल मौत होगी। ये कोई नई बात है क्या? दूसरे जो धर्म हैं, दूसरी भाषाओं के, दूसरे देश हैं, दूसरे धर्म खंडों के, वहाँ भूत प्रेतों की मान्यता ज्यादा है या कम है? वहाँ भूत प्रेतों को मानते हैं या देवताओं को मानते हैं? भूत प्रेतों को ही मानते हैं। भूत प्रेतों को मानने वाले भूत योनि में जन्म लेते हैं, गीता में भी तो लिखा है, देवताओं को मानने वाले देव योनि में जन्म लेते हैं, मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। और बंगाल का मतलब है शंकर जी की जो भांग है वो सारी भांग पी जाते हैं। वैसे भी सारी दुनिया का जो बीज है वो कहाँ से निकलता है? बंगाल से निकलता है, बंगाल से ही निकलता है और बंगाल से ही प्रत्यक्षता का आवाज निकलता है। इसलिए सारी भांग कौन पी जाता है? है कोई बंगाली है जो सारी भांग पी जाता है? अपनी गोट तो नशा चढ़े, नशा भी उसी को जास्ती चढ़ेगा। और बाबा भक्ति मार्ग के दिखाते हैं कि कपिल मुनि के 60,000 पुरुषों को भस्म कर दिया। हाँ जी, 60,000 पुरुष के ज्ञान मार्ग में कैसे करी थी? जहाँ की यादगार होती है वहां कुछ असलियत भी हुई होगी। कपिल मुनि की यादगार मंदिर कंपिल में दिखाते हैं, गंगा जी के किनारे दिखाते हैं, और यादगार उनकी दिखाई है गंगा सागर मेले में, वहां उनका अवसान होता हुआ दिखाया गया है। कपिल के नाम पर ही नगरी का नाम पड़ा है कंपिल, जैसे ब्रह्मा के नाम पर ब्राह्मण, जिन के नाम पर जैन, ऐसे ही कपिल के नाम पर कंपिल नाम पड़ता है। तो दिखाया है कि राजा भगीरथ के 60,000 पुरखों ने जो कपिल मुनि के ऊपर आरोप लगाया कि इन्होंने हमारा घोड़ा चुरा लिया। घोड़ा कौन है? मन ही घोड़ा है। ये मनरूपी घोड़ा
वास्तव में कपिली मुनि ने चुराया था या इंद्र ने बांधा था, है? बांध दिया था। ऐसे ही यहां की ये बात है कि ब्राह्मणों की दुनिया में कोई संसार में भागीरथ के रूप में प्रसिद्ध होता है। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, और वो भाग्यशाली रथ उसके द्वारा जो एडवांस ज्ञान निकलता है और उस एडवांस ज्ञान में चलने वालों का जो मन का सेंट्रलाइजेशन होता है वो कौन से जिले में होता है? जैसे बेसिक में ब्राह्मण बने तो ब्राह्मणों के मन का सेंट्रलाइजेशन माउंट आबू में हो गया। ऐसे ही एडवांस में जो आने वाले हैं उनके मन का सेंट्रलाइजेशन कहाँ हो जाता है? फर्रुखाबाद में, खास करके कंपिल में। तो ऐसी 60,000 आत्माएं तैयार होती हैं एडवांस में जो रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं। खास उनमें ज्यादातर राज्य भोगने वाली आत्माएं हैं, राज परिवार की आत्माएं हैं। उन राज परिवार की आत्माओं ने ऐसा पुरुषार्थ किया है माया मन रूपी घोड़े को चुराती है और वो उसको पकड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करते करते मन की एकाग्रता कहाँ होती है? स्थान तो बताई दिया, कौन सा स्थान? कंपिल। और व्यक्ति? कपिल मुनि। तो सभी का घोड़ा मन रूपी घोड़े को कहां बांध दिया? कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इसमें कपिल मुनि की गलती है या बांधने वालों की गलती है? ये तो बांधने वालों ने बांध दिया, उन्होंने आरोप लगा दिया तुमने हमारे घोड़े को चुराई लिया। वास्तव में चुराया नहीं लेकिन आरोप लगाया गया झूठा। तो कपिल मुनि को क्रोध आ गया, क्रोध आया तो उस क्रोध की ज्वाला से जो ज्वाला फूटती है वो कौन सी ज्वाला थी? है ज्ञान की ज्वाला में कोई भस्म नहीं होता है, हाँ, काम अग्नि की ज्वाला है। वो काम अग्नि की ज्वाला 60,000 पुरखों को भस्म कर देती है। अभी अनुभव कर रहे हैं उस ज्वाला से शांति पाने के लिए किसका आवाहन करने के लिए बोला गया? विजयमाला का आवाहन करो। इम्प्योरिटी जो बढ़ रही है उस इम्प्योरिटी को कैसे शांत किया जाएगा? है? अरे आग को कैसे शांत किया जाता है? जल से शांत किया जाता है। ऐसे ही इम्प्योरिटी को प्योरिटी से ही शांत किया जाएगा। कोई पवित्र आत्मा निमित्त बनती है, उसे गंगा कहो, वैष्णवी देवी कहो,
गौमुख से क्या निकली है? गंगा निकली। वो गंगा वाचा की शक्ति चलाती है जो उत्तर भारत में दिखाई जाती है, लेकिन वाचा की शक्ति से काम होने वाला नहीं है। वास्तव में पानी की गंगा पतित पावनी है या प्रैक्टिकल जीवन पतित पावन बनाता है? प्रैक्टिकल जीवन पतितों को पावन बनाता है। गंगा तो फिर भी रुद्रमाला का मणका है। रुद्रमाला का मणका होने के कारण राजा बनने वाली आत्मा है। राजाएं जितने भी हुए हैं भारत के, वो सब नंबर 12 पवित्र हुए हैं। गंगा भी अंत में आकर के उसके लिए भी गायन है, राम तेरी गंगा मैली। तो जो खुद ही मैला बन जाता है अंतिम जन्म में, अंतिम जन्मों में, वो दूसरों को कैसे पावन करेगा? तो पावन करने के निमित्त वास्तव में कौन है जो गौमुख से निकलती है? कौन है गौमुख? गौ कौन है? है गंगा, जगदम्बा। जगदम्बा के मुख से ऐसी प्रैक्टिकल जीवन की ज्ञान की धारा निकलती है जिससे उन 60,000 पुरुषों का उद्धार हो जाता है। उद्धार करने के लिए दिखाते हैं कि भागीरथ ने पहले तपस्या की। एक बार तपस्या की या दो बार? एक बार तपस्या की तो बेसिक नॉलेज के बतौर ज्ञान गंगा ऊपर से नीचे तो आई, लेकिन फायदा नहीं हुआ। क्यों फायदा नहीं हुआ? नहीं, नीचे तो आई लेकिन जटाओं में समा गई, माना मन बुद्धि में रमण करने लगी, मनन चिंतन मंथन चलता रहा। 68-9 से लेकर के 76 तक। इसलिए फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होता है जब वो ज्ञान गंगा वैष्णवी शक्ति तक पहुंचती है। गुरु बिनु होए कि ज्ञान, गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए। वैष्णवी शक्ति भी पवित्रता के बल पर कोई कार्य नहीं कर सकती। क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान का मेल होने के बाद ज्ञान गंगा में भी वो पावर आ जाती है जो 60,000 पुरुषों को पावन बनाई देती है। और बत्ती किए हुए कितना टाइम हो गया? 5 साल, 5वां महीना 2005 में, और 4 साल में तुमने अभी तक एडवांस की मुरलियों को सुन ही नहीं पाया। अरे कई बार इसका क्लेरिफिकेशन हो चुका है, संगी साथियों से भी पूछोगे वो भी बता देंगे। कौन जानता है? हाँ, कौन जानता है? कोई जानता है तो बता दो शॉर्ट में, कौन सी चिड़िया है और कौन सा सागर है और कौन सा हप करने वाला है? वो मुनि का नाम अगस्त्य ऋषि। हाँ, जाह्नवी। जाह्नवी तो गंगा का नाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है।
वो तो ठीक है, लेकिन जिसने गंगा को वो सागर को पी लिया, वो सागर को पीने वाला तुम्हारी समझ में नहीं आया अभी तक कौन है? है? अरे ब्राह्मणों की दुनिया में प्रैक्टिकल में कौन है? वो तो शास्त्रों में नाम लिख दिया। ज्ञान को, ज्ञान सागर को पी लिया राम वाली आत्मा। वो राम वाली आत्मा सारा सागर पी लेती है और पीने के बाद फिर जो निकलता है वो सारा मीठा सागर ही निकलता है या खारा होकर के भी निकलता है? है सागर मीठा भी और सागर खारा भी। मीठा उनके लिए है जो निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, बाकी सारी दुनिया के लिए खारा ही खारा है। और वो क्रौंच पक्षी कौन है? उनका नाम पड़ा है क्रौंच, करूंच। क्या ऊंच काम करने में लग गई है? अरे अभी तो पूछा सागर को सुखाने के काम में लग गई, एक एक बूंद लेना और एक एक बूंद जमीन में छोड़ना, बूंद बूंद करके सागर को सुखाना चाहा। तो मुनि जी महाराज को रहम आ गया। ये कहां की बात है? है संगम युग में जो बेसिक ज्ञान है उस बेसिक ज्ञान की बात है। बूंद बूंद करके सागर नहीं सुखाया जा सकता, इसलिए मुनि को रहम आ गया, उन्होंने सारा सागर पी लिया। पीने के बाद जो भी निकलता है वो दो प्रकार का निकलता है, माना मुरलियां तो मीठी ही है या मुरलियां कड़वी भी है खारी भी है। जो मुरलियां ब्रह्मा के बुक से निकाली गई वो मुरलियां मीठी है या खारी भी है? मीठी ही मीठी है। फिर सारा पीने के बाद जो कुछ निकला विशाल रूप में वो खारा भी है या मीठा ही मीठा है? खारा ज्यादा है और मीठा कम है। क्यों? क्योंकि पहचानने वाले थोड़े हैं या ज्यादा हैं? पहचानने वाले थोड़े हैं, 5 पांडव मुट्ठी भर, और बाकी सारी दुनिया न पहचानने वाली लिस्ट में है, इसलिए उनको खारा लगता है। और बाबा को लूट लेते हैं, बाबा को लूटते हैं, लूटते हैं। और क्या सही बात है। इसमें झूठ बात क्या है? हाँ निश्चय नहीं आता है तो लूट रहे हैं ना। हाँ हाँ वो सच्चे हैं, जिनको लिखना आता ही नहीं है तो दूसरों से लिखवा ले। जो अपना अजीज हो, जिसको दिल, ऐसा तो कोई होता ही नहीं जो अपनी दिल की बातें सिवाय शिव बाबा की और किसी को बताता ही ना हो। है अपने दिल की बात दिलावरों से करने वाले सब हैं, ऐसा एक भी नहीं है सिवाय एकलव्य को छोड़ करके जो अपने दिल की बात कभी किसी दूसरों को न बताता हो। तो जो दिली यार साथ कोई न कोई होगा उसे लिखवा ले।
और माया को सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है। माया को सर्वशक्तिमान का टाइटल मिला है, वो बुद्धि में बहुत तिक्की होती है। हाँ, तिक्की की बुद्धि जड़ होती है। हाँ, कौन सा ऐसा काम है जिससे तिक्की बुद्धि जड़ होती है? भगवान को पहचाने, साथ भी दे, लंबे समय तक साथ निभाए भी और लंबे समय तक मिलन मेला मनाए भी और फिर अनिश्चय बुद्धि हो जाए तो जड़त्वमय बुद्धि की लिस्ट में डाला जाएगा या चैतन्यमय बुद्धि होगी? तो जड़त्वमय बुद्धि हो गई। अब कुछ भी सही, आपका प्रश्न जड़ बुद्धि का है। हाँ, जो भगवान को पहचान करके भगवान को छोड़ दें वो तो महामूर्ख के लिस्ट में है। मुरली में भी क्या बोला, उनको महामूर्ख कहेंगे। और कबीर कौन से धर्मात्मा है, कबीर शिव से ऊपर है, शिव से और बताते हैं का मंदिर है, मासी नगरी प्यारी है, तो इन आपस में क्या होगा? हाँ, कबीर का और शिव बाबा का, कबीर का और शिव बाबा का, जैसे काशी गरीब बाबा को जारी है। हाँ, हाँ, और कबीर का मंदिर भी है काशी में, तो जो कबीर पंथी होते हैं वो हिंदू नहीं कहे जाते? हिंदू तो कहे जाते हैं, ऊपर है ऊपर है वो कहते हैं, तो आप मान लेंगे? फिर जो बात आप मानते ही नहीं वो क्यों भरी सभा में उठा रहे हैं? हाँ, और बाबा जैसे कोई आत्मा है अपनी शरीर से, मतलब कोई दुखी है परेशान है, और वो भाई तो भाई में जो बाबा की नियम है वो संसार यहाँ पे क्लास करने नहीं आते, हम घर में क्लास करते हैं, तो क्या उनका नियम मानना नहीं होगा? घर में क्लास करना खराब बात है? नहीं नहीं, नहीं पहुंच पाते ना। हैं? पहुंच नहीं पाते, घर में करते हैं। हाँ, मतलब वो रेगिंग में है कि बाबा तो कहते हैं जो रोज बाबा की मुरली सुनता है तो क्लास अटेंड ही करता है। दो महीने में एक बार भी अगर किसी मंदिर में ना आ पाए वो आत्मा, हाँ, उसको उस लिस्ट में माना जाएगा जो बाप को तो मानता है लेकिन बाप के परिवार को ध्यान नहीं देता, मानता ही नहीं, जैसे परिवार से प्यार नहीं है सिर्फ बाप से प्यार है। परिवार बाहर में जाने दो, हम अपना परिवार देखें कि वो परिवार देखें? नहीं नहीं, कैसे है, क्या मजबूरी है ऐसी, क्या कौन सी मजबूरी होती है? बाबा के 106 डिग्री बुखार हो तो भी संगठन में जाना चाहिए। संघौ शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति कार्य करती है, और ये तो ईश्वरीय संगठन है। मुसलमानों को देखो कितना बड़ा संगठन काबा में इकट्ठा होता है, इतना बड़ा संगठन दुनिया में किसी भी धर्म का नहीं देखने में आता है, इसलिए उन इस्लामियों ने दुनिया के ऊपर लंबे से लंबे समय तक राजाई की, इतनी पावर आ जाती है संगठन शक्ति की। वो उनका तो आसुरी संगठन है, और हमारा कौन सा संगठन है? ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर का संगठन है। इस परिवार को हम कैसे भूल सकते, कैसे छोड़ सकते? और
बाबा गीता पाठशाला में सवेरे सवेरे का सवेरे के साइन होते हैं, उसमें रजिस्टर बना रखा है तो उसमें शाम के साइन कर सकते हैं? हाँ, दोपहर को आओ, दोपहर को भी साइन कर दो, टाइम लिख दो। गीता पाठशाला में शाम को भी आते हो, शाम का भी टाइम लिख दो, साइन कर दो। हर्जा क्या है? एक दो आत्माएं आती हैं फिर। चलो, जो भी एक दो आत्माएं आती हैं तो पांडवों का मंदिर तो नहीं हुआ, पांच पांडव तो होना चाहिए। चलो, सुबह से लेके शाम तक कम से कम पांच पांडव तो आ जाएं, पांच धर्मों की पांच आत्माएं तो दिखाई पड़े। और सुबह तो आती है बाबा 12-13 आत्माएं। हाँ जी, ओम शांति।